उदाहरण 9, भाज्य पी एक्स बराबर 3x^4 ऋण x^3 धन 30x ऋण 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला एक्स धन 1, बी 2x ऋण 1, हल ए भाज्य बराबर भाज्य पी एक्स बराबर 3x^4 ऋण x^3 धन 30x ऋण 1 तथा भाजक बराबर जी एक्स बराबर एक्स धन 1 है, तब हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि शेषफल R बराबर पी ए होता है तब भाग x ऋण 1 से करें। चूंकि भाजक x धन 1 है इसीलिए R बराबर P ऋण 1 होगा। Px में x बराबर ऋण 1 रखने पर शेषफल बराबर p ऋण 1 रखने पर प्राप्त होगा, बराबर हमारे पास भाज्य जो है उसमें हम x के स्थान पर ऋण 1 रखेंगे तो 3x के स्थान पर ऋण 1^4 ऋण, फिर x की जगह में ऋण 1^3 धन 30x है तो 30 और x के स्थान पर ऋण 1 ऋण 1 बराबर 3 ऋण 1^4 बराबर 1 प्राप्त हुआ, ऋण ऋण 1^3 जो होगा वो ऋण 1 धन गुणित धन 30 गुणित ऋण 1 ऋण 30 और ऋण 1 बराबर 3 ऋण को ऋण से गुणा किए, ऋण 1 को ऋण 1 से गुणा किए तो धन 1 ऋण 30 ऋण 1। अब 3 धन 1 ये हो गया हमारा 4 और ऋण 30 ऋण 1 ऋण 31 बराबर ऋण 27। इस तरह से शेषफल बराबर ऋण 27 हमें प्राप्त हुआ, यह इस प्रश्न का हल है। उदाहरण 9 बी 2x ऋण 1, यहां पे उदाहरण बी का हल, यहां पर भाज्य px बराबर 3x^4 ऋण x^3 धन 30x ऋण 1 है और भाजक gx बराबर 2x ऋण 1 है,
तब हमें शेषफल PA ज्ञात करना है, शेषफल बराबर PA ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ यहाँ 2x ऋण 1 को हम जब दो उभयनिष्ठ यहां से निकालेंगे तो कोष्टक में हम x ऋण 1/2 लिखेंगे। अब एक ही स्थान पर हमें एक ही स्थान पर हमें 1/2 दिख रहा है, तो अतः अतः शेषफल शेषफल पी 1/2 होगा। यहाँ पे भाज्य जो है 3x4 ऋण x3 धन 30x ऋण 1 में हम x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3 1/2 का घात 4 ऋण 1/2 का घात 3 धन 30 1/2 ऋण 1 बराबर 3 × 1/2 का घात 4 जब हम करेंगे तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 बराबर 1/16 ऋण 1/2 का घात 3 बराबर 1/8 धन 30/2 ऋण 1 बराबर 3/16 ऋण 1/8 धन 15 30/2 15 ऋण 1 बराबर इन दोनों 3/16 ऋण 1/8 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 16 16 को 16 से भाग किए तो 1 1 × 3 3 ऋण 16 को 8 से भाग किए 16 / 8 = 2 2 × 1 = 2 धन यहाँ पे हमें 14 मिला बराबर 1/16 धन 14 बराबर इसे हम लिख सकते हैं 14 1/16। तो अतः हमें शेषफल बराबर 14 1/16 प्राप्त होता है। यह इस प्रश्न का हल है।